पंजाब में राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा टूटा, क्या सुरक्षा में बड़ी लापरवाही आई सामने, कांग्रेस नेता ने सवाल पर क्या दिया जवाब। पंजाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इसी बीच मंगलवार को एक युवक राहुल गांधी के काफी करीब पहुंच गया। होशियारपुर में एक युवक ने राहुल गांधी की सुरक्षा घेरा को न सिर्फ तोड़ा जबरन राहुल गांधी के गले लग गया। एक दूसरे मामले में एक और संदिग्ध भी राहुल गांधी के काफी करीब पहुंच गया, उसने मोबाइल में फोटो भी कैद कर ली। राहुल गांधी की सुरक्षा में कथित लापरवाही पर जब कांग्रेस नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। राहुल गांधी ने कहा कि उनके सुरक्षा में चूक नहीं हुई, बस अति उत्साही शख्स उनके करीब आ गया था। ये जवाब राहुल गांधी ने मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। Someone came to hug me. I don't know why you are calling that a lapse. I think the person was he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. दरअसल राहुल गांधी की सुरक्षा को तोड़कर एक युवक उनके पास पहुंच गया। इस पूरी घटना का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने भी जारी किया, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से एक युवक तेजी से दौड़ते हुए राहुल गांधी के करीब चला गया। युवक यहीं तक नहीं रुका, वो जबरन राहुल गांधी के गले लग गया। युवक की हरकत देख राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उसे दूर किया। इस घटना को राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक से जोड़ा गया, क्योंकि दिल्ली में भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया। उन्होंने इतना ही कहा कि अति उत्साही युवक उनके करीब पहुंच गया था। बड़ी बात यह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया पर दिए अपने एक बयान से इनकार किया। राहुल गांधी ने मीडिया और कांग्रेस पार्टी के रिश्तों पर भी बड़ी बात कह दी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी जोरदार तंज कसा। मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है। आपको आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो जो आपको देश के बारे में लगता है, मैं जानता हूं। तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा, अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। दरअसल पंजाब में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा 11 जनवरी से शुरू हुई है, जो 19 जनवरी तक चलेगी। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन 19 जनवरी को राहुल गांधी पठानकोट में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में कथित चूक को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इसके पहले दिल्ली में भी राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही की बात सामने आई थी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो ये पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए यात्रा कश्मीर पहुंचेगी। 150 दिनों के दौरान यात्रा करीब 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।